सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में बहुत सारी स्टोर्स का हम बात करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी में, आज करना है गौरव जोन के बारे में। सो मोहित शिकारा एंड गौरव अरोरा, इन दोनों को तो आप जानते होंगे, हर्ष बेनीवाल की वीडियोज में बहुत बार देख चुके होंगे आप इन दोनों को। सो दोनों ने ही अपनी अपनी वीडियोज में गौरव जोन को बुरी तरह से ट्रोल किया है। अभी रिसेंटली में मोहित शिकारा ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है बाय द नेम ऑफ गॉड डुकाटी पैनीगेल 959। एंड इस वीडियो में मोहित शिकारा ने गौरव जोन को बुरी तरह से ट्रोल किया है। सो अगर तो आपने गौरव जोन के व्लॉग्स देखे होंगे, तो गौरव जोन अपने व्लॉग्स में काइंड ऑफ अपनी चीजों का शो ऑफ करते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। सो इसी चीज को लेकर मोहित शिकारा ने इनडायरेक्टली ट्रोल किया गौरव जोन को अपनी वीडियो में। सो आप भी देखिए उनकी उस वीडियो का छोटा सा क्लिप। बात करते हैं बाइक के फीचर्स के, तो गाइस इसके फीचर्स गाइस बहुत सारे हैं गाइस। बाइक कैसी लगी? बहुत बढ़िया बाइक थी भाई। बाइक कैसी लगी? जबरदस्त भाई, मजा आ गया भाई। बाइक कैसी लगी? बहुत ऑसम बाइक। कैसी लगी भाई? बाइक बहुत अमेजिंग, और दुनिया में शायद आपके पास ही ये बाइक होगी और किसी पे नहीं होगी, तो आई लव यू भाई, आई लव यू भाई। बाइक कैसी लगी भाई? बहुत बार कांग्रेचुलेशन भाई, मजा आ गया, लव यू। कैसी लगी? एक नंबर मोहित भाई, मस्त है ना आपकी बाइक देख के भाई। बाइक कैसी लगी भाई? बाइक तो मेरी है। एंड ऑल्सो वहीं गौरव अरोरा ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया बाय द नेम ऑफ लाइफ ऑफ अ व्लॉगर फीड गोबर जोन, जिसमें गौरव अरोरा ने गौरव जोन को बुरी तरह से ट्रोल किया। सो आप भी देखिए गौरव अरोरा के उस वीडियो का छोटा सा क्लिप। यो 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 यो, तो मैं आ गया अपने समीर भाई के पास बेल्ट लेने। तो भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई। तो भाई एक मेरे को बढ़िया जहर सी बेल्ट दिखा दो। भाई ने दो बेल्ट दिखाई है मेरे को, तो कमेंट करके बताना आपको कौन सी पसंद आ रही है। मेरे को तो ये वाली बहुत पसंद आई है भाई। तो भाई ये कितने की बेल्ट है? 80 रुपए की भाई। 1.5 लाख रुपए की बेल्ट? तो 1.5 लाख की बेल्ट खर्चा देख रहे हो भाई का। तो मैं करूंगा आज अपनी बीबी को अनबॉक्स। तो तुम्हारी भाभी साथ में बैठी हुई है, तो मैं आज करने वाला हूं अनबॉक्स इन्हें। तो रेडी हो आप लोग? फटाफट लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। तो ये मैं करने वाला हूं अनबॉक्स, अनबॉक्स, अनबॉक्स। तो एक और गुड न्यूज है, तुम्हारा भाई करने वाला है गिव अवे अपनी वाइफ का। अपनी वाइफ क्या हो गया? अरे व्यूज के लिए कर, मजाक कर रहे थे, मैं सच में थोड़ी कर। सो अब चलते नेक्स्ट स्टोरी में, करना है हर्ष बेनीवाल के बारे में। सो हर्ष बेनीवाल की न्यू वीडियो आने वाली है, तो उसी का अपडेट देते हुए हर्ष बेनीवाल कुछ ये कहे। Hey guys, कल शाम को मेरी नई वीडियो आ रही है, तो कल शाम को मिलते हैं मेरे YouTube चैनल पे, एंड बहुत मजा आएगा आपको। बहुत फनी की है वो वीडियो, और बहुत बहुत असर हम देखते वक्त भी, तो प्लीज आप लोग भी देखना। एंड ऑल्सो दूसरी तरफ मेक जोकोव की भी न्यू वीडियो आने वाली है। सो मेक जोकोव अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किए कार्य प्रगति पे है। सो दोनों की जल्दी हमें वीडियोस देखने को मिल जाएगी। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, आज करना है अदनान 07 के बारे में। सो हैरिस खान जो कि अदनान 07 के फ्रेंड है, उनकी रिसेंटली में बर्थडे पार्टी थी। एंड इस बर्थडे पार्टी में करीब 30 लोग मौजूद थे, जिसमें हैरिस खान स्वॉर्ड से केक्स को कट कर रहे थे। एंड वहां पे बिल्कुल भी COVID-19 के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था। मतलब वहां पे किसी के पास मास्क नहीं था, एंड सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा था। सो इसी बारे में किसी ने ट्वीट किया, जो मुंबई पुलिस इन्फ्लुएंसर टीम 07 अदनान शेख सेलिब्रेटिंग हिज फ्रेंड हैरिस खान्स बर्थडे, इन विच हैरिस इज कटिंग केक विद अ स्वॉर्ड एंड चॉपर। मोर देन 100 ऑफ यंग बॉयज वर प्रेजेंटेड विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग इन बांद्रा वेस्ट ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक टाइम। एंड इसी ट्वीट में एक वीडियो भी अटैच है, जहां पे हैरिस खान स्वॉर्ड से केक कट करते हुए नजर आ रहे हैं। सो इसी ट्वीट के बाद में मुंबई पुलिस ने हैरिस खान को अरेस्ट कर लिया, एंड बाकी जो 30 लोग मौजूद थे इंक्लूडिंग अदनान 07, उन सभी को लीगल नोटिस भेज दिया है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, करना यूट्यूब बैन के बारे में। सो पाकिस्तान में मे बी बैन हो सकता है यूट्यूब, बिकॉज वहां के सुप्रीम कोर्ट ने हिंट दिया है यूट्यूब बैन को लेकर। एंड रीजन इसका बेसिकली ये है कि वहां पे यूट्यूब ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जो कि उनकी आर्मी, गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी सिस्टम के अगेंस्ट है। सो इसी पे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो ऐसी वीडियोस को रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन उनको यूट्यूब से हटा नहीं सकती है। सो
इसी के चलते वहां के सुप्रीम कोर्ट ने हिंट दिया दैट यूट्यूब मे बी बैंड इन पाकिस्तान। एंड इससे पहले बीगो लाइव करके एक एप्लीकेशन है जो कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ब्लॉक कर दी है। एंड रीजन बेसिकली ये था कि इस एप्लीकेशन से वल्गैरिटी इमोरलिटी को प्रमोट किया जा रहा था और साथ ही टिकटॉक को भी वार्निंग दे दी गई है। सो या लेट्स सी और कितने सोशल मीडियाज बैन होने वाले पाकिस्तान में। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता तो मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूंगा। सो अब चलते नेक्स्ट स्टोरी में, कर रहा हूं कल का लौंडा के बारे में। सो अगर तो आपको याद होगा मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि यूट्यूब पे एक चैनल कल का लौंडा करके विद और 500 के सब्सक्राइबर्स जिसको यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया था। एंड बाद में कल का लौंडा ने अपने सेकंड चैनल कल का लौंडा लाइव पे एक वीडियो अपलोड करी जहां पे उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों यूट्यूब ने उनके चैनल को डिलीट कर दिया। बेसिकली उस वीडियो में उन्होंने बताया कि यूट्यूब की मिस्टेक हो सकती है बिकॉज उस चैनल पे उन्होंने ऐसी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी जो कि यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। एंड अभी तक उस चैनल को यूट्यूब ने टर्मिनेट करके रखा है। सो अगर तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो अब कल का लौंडा के सपोर्ट में आशीष चंचलानी भी आ चुके हैं। सो आशीष चंचलानी अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करते हुए कहे, हेलो यूट्यूब इंडिया, कैन यू प्लीज हेल्प दिस गाय एंड लुक इनटू दिस मैटर। एंड इसी पे आशीष चंचलानी को रिप्लाई देते हुए निश्चय मल्हान एके ट्रिगर्ड इंसान कहे, प्लीज यूट्यूब इंडिया गिव कल का लौंडा चैनल बैक, थैंक यू आशीष चंचलानी, यू इंडीड आर द बेस्ट। सो या होप जल्दी ही यूट्यूब कल का लौंडा चैनल से टर्मिनेशन हटा दे। सो अब चलते नेक्स्ट स्टोरी में, आज कर रहा हूं लक्ष्य चौधरी के बारे में। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछली वीडियो में बताया था कि रचित रोजा ने लक्ष्य चौधरी के अगेंस्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें रचित रोजा ने काइंड ऑफ रोस्ट किया था लक्ष्य चौधरी को। सो अगर तो आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में कुछ ये कहे, भाई एक झांटू ने एक वीडियो बनाई थी, वो मुझे इतनी बड़ी वीडियो थी, पहले रोस्ट के नाम पे पूरी फिल्म निकाल दी थी। उसके बाद मैंने जब एक लाइन सुनी, भाई लोगों को झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती, मेरे बारे में बता रहा। यार शर्म कर ले यार झूठ बोलने से पहले, मैं जानता हूँ तेरे को कौन है तू अच्छे से, क्योंकि एक बार जब मैं किसी से मिल लेता हूँ ना तो उसकी शक्ल मेरे को अच्छे से याद हो जाती है। देख एग्जैक्ट डेट तो मेरे को याद है नहीं, पर याद कर सीपी में मिला था, तेरा फ्रेंड भी तेरे साथ था, तूने अपनी वीडियोस दिखाई मेरे को, अपना चैनल दिखाया कि भाई मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, मेरा चैनल देख लो, और भाई भाई कुछ नरम नहीं है भाई, कुछ भी प्रूव करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं भाई। सीपी में जिंदगी में एक बार गया हुआ, याद है दिल्ली ट्रिप पे गए थे वो भी पिछले साल। अरे यार मैं अमित भड़ाना से मेरी बात हो, एलविस शो, निखिल शो, फ्लाइंग बीट शो, और किसी शो उन्हें आज तक मैंने स्वाइप अप को मिलने को नहीं कहा, ये कौन है। ठीक है यार लेकिन जाके देखियो मत भाई, दिस साउंड्स को हमें बिल्कुल भी क्लाउट नहीं देना, फ्यूचर डेड है, इनका नीचे को जा रहा है, आप चढ़ाइयो मत भाई। ठीक है बुलंद यार, किसी को क्या भी इनने ऐसे पॉइंट रख रखे, कह रहे ऑडियंस इसकी कमेंट सेक्शन में कर रही काम, लेकिन ठीक है यार फिर भी मैं यही कहूंगा देखियो भी मत, हेट में तो मत डालियो, जान दो इनका ग्राफ डाउन ही जा रहा, देखियो मत बस। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज इस चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लगी तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देना। हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में।